हमारे टेस्ट क्रिकेट का एक बड़ा नाम, सीनियर प्लेयर, और 11 कंट्रीज के अंदर सेंचुरी बनाने में कामयाब हो गए हैं। ये एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। खावर साहब, ये बिल्कुल जी बहुत बड़ा रिकॉर्ड है हमारे मुल्क के लिए। बड़े बड़े एक एजाज की बात है कि हमारे एक क्रिकेटर ने तमाम ममालिक के अगेंस्ट सेंचुरी बनाई है, और ये मेरे ख्याल में इसको बहुत सेलिब्रेट करना चाहिए। मेरा 39 इयर्स ओल्ड के हो गए हैं। इस क्लाइव लाइट ने एक सेंचुरी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर व्हेन ही वाज 40 इयर्स ओल्ड, वो स्टोरी पढ़ रहा था। लेकिन अभी भी यूनुस खान इज सुपर फिट, इज डूइंग ग्रेट, और मेरे ख्याल में क्योंकि हमारे मुल्क में आपको पता है लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाके इस तरह का एजाज़ हासिल करना, इस तरह की आपने परफॉर्मेंस देना, दिस इज वेरी गुड थिंग। और ये रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपने पूरी दुनिया के अंदर। और राइट खबर, अगर यहाँ पे उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, नो डाउट इट्स रियली अप्रिशिएटेबल। लेकिन इसके साथ साथ जब पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुश्किलात का शिकार, एक टाइम ऐसा फील होता है शायद हम फॉलो ऑन ना हो जाएं, पर अभी भी बारिश की वजह से कुछ बचत हुई है, तो उस मौके के ऊपर जब उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, बल्कि 150 कर चुके थे, तो वो भी बड़ी वैल्यूएबल है। लेकिन उसके साथ साथ यूनुस खान की ये अचीवमेंट उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो हमने देखा कि यूनुस खान को मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर 2-3 मरतबा टीम से आउट करने की कोशिश की गई कि इनकी एज बहुत ज़्यादा है, ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उन सिलेक्टर्स के लिए भी ये एक मैसेज है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो आपके डिफरेंट स्टेज के ऊपर आप समझ रहे थे कि अब सूटेबल नहीं रहा, ये अब परफॉर्म नहीं कर पा रहा और इसको आउट कर दिया जाए, इसको घर बिठाया जाए, उसने अगेन आपको परफॉर्म करके दिखाया है। तो जो थोड़ी सी हमारी सिलेक्शन के अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है या फेवरेटिज्म इन्वॉल्व हो जाती है, तो उसको भी साइड पे रखना चाहिए। प्रोफेशनलिज्म के तहत जो रियल टैलेंट है, जो परफॉर्म कर रहा है, जिनकी सलाहियतों के आप देखते हैं कि वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए, ताकि ऐसे और रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के नाम हो सकें, जो टैलेंट है वो और ऐसे रिकॉर्ड भी पाकिस्तान ला सके। एक चीज़ तो ये हकीकत तो यही है कि यूनुस खान 39 के हैं, मिसबा 40 के हैं, अब वो सारी उम्र तो और तो 5-6 साल तो वो खेल नहीं सकते ना, उनको किसी ना किसी टाइम पर रिटायर होना है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा है कि लोगों को नई जो है नौजवानों को तैयार करे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस करे, ताकि इन लोगों के जो है जाने के बाद आपके पास अच्छा टैलेंट अवेलेबल हो, इनके जो जो वो जगह खाली होगी इनके रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि रिटायर तो वो हो जाना है। मेरे ख्याल में मिसबा साहब, मिसबा की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मैं इस सीरीज़ के बाद डिसाइड करूंगा कि मैंने फ्यूचर क्या, मैंने क्रिकेट जारी करनी है, रखनी है या नहीं रखनी। यूनुस हैं ऑलरेडी 39, जैसा मैंने कहा, उनका भी फ्यूचर अब क्या स्पोर्ट्स के अंदर आपकी एज एक सर्टन लेवल तक आप परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलरेडी वो ये रिकॉर्ड बना रहे हैं कि इस एज में भी वो खेल रहे हैं, लिहाजा वो तो आपको टैलेंट तो तैयार करना पड़ेगा उनको रिप्लेस करने के लिए। ठीक है जी,